रखा गया है वो सेंट्रल थीम है एम्प्लॉयमेंट का, और इसमें EMPLO सबका एक एक करके अब्रीविएशन बनाकर फुल वर्ड दिया गया है, जिसमें ई से एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन है, एम से एमएसएमई है। देखिए ये आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा था कि एमएसएमई सेक्टर की तबाही की ही वजह से इतना ज्यादा जो नौकरियों की परेशानी हो रही है वो फैल रही है। ऐसे में एम से एमएसएमई, पी से प्रोडक्टिविटी, एल से लैंड अपॉर्चुनिटीज, ओ से वाई से यूथ, मिडिल क्लास जिसमें आप थोड़ा सा फेरबदल देख रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में, मिडिल क्लास, ई से एनर्जी सिक्योरिटी क्योंकि जो सूर्य ऊर्जा है उस पर ध्यान दिया गया है, एनर्जी सिक्योरिटी, न्यू जनरेशन एन, और टी से टेक्नोलॉजी। यानी सरकार भी अपनी तरफ से एम्प्लॉयमेंट को मेन थीम बनाकर पूरे अपने जो थीम है उसको पुश कर रही है। लेकिन ये तमाम मुद्दे बताते हुए आइए आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है उसका चर्चा की शुरुआत। क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको हम सुनाएंगे अखिलेश यादव ने क्या कहा है, क्योंकि देखिए विपक्ष अभी से हमलावर है और ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। इधर दूसरी तरफ वाम दल जो है उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है और वाम दल ये कह रहे हैं कि कुर्सी बचाओ बजट है, लेकिन कुर्सी बचाओ बजट में वो क्या कह रहे हैं ये सब आपको सुनाएंगे। पहले अखिलेश यादव, जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। जिस कहते हैं बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है, बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। छब्बीस हजार करोड़ का पैकेज है सिर्फ बिहार के लिए, 15 हजार करोड़ का पैकेज है वहीं पर आंध्र प्रदेश के लिए। यूपी पर प्रश्न कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन जो बड़ी बातें हैं उसको अगर आप देखें तो इस बात की सभी लोग उस बात का स्वागत कर रहे हैं जिसमें पी चिदम्बरम ने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है, बहुत सारे विपक्ष के नेता, कि जो स्टार्टअप से उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि एंजल इन्वेस्टर्स जो होते थे उसमें जो टैक्स लगता था उनका, उस टैक्स को कम नहीं खत्म कर दिया गया है। एंजल टैक्स को खत्म करना एक बहुत बड़ा बेनिफिट देख रहे हैं, क्योंकि पूरे इकोसिस्टम में अगर आपको जान फूंकनी है तो हर कदम पर आप कितना फायदा दे रहे हैं, जिससे एक तो लोगों की स्पेंडिंग में इजाफा होगा, फिर स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आपको मल्टी डायमेंशनल हेल्थ देखना है।